हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अब बहुत अच्छी हूँ और आप लोगों को मैं बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ। गाइस, पता नहीं, मुझे थोड़ा व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने फिर भी ये फाइनली एक व्लॉग बनाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये सब क्या सामान फैला पड़ा है। ये सब मैं रूम शिफ्टिंग कर रही हूँ ना, तो ये सब सामान है और बहुत सारा सामान था। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत कम सामान है। और मतलब दो दिन से हम लोग लेके जा रहे थे सामान, और ये फाइनली लास्ट डे का सामान है ये। और मैं आप लोगों के साथ ये सामान शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पापा पलंग को खोल रहे हैं। हाँ जी, पलंग जो था ना फोल्डिंग वाला, उसको खोल रहे हैं पापा मेरे। तो मैं सोची क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी ये अपना वीडियो शेयर करूँ। हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी कुछ अच्छा बुरा होता है। तो मैंने सोची क्यों ना ये आप लोगों के साथ मैं भी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मेरे पापा ये सब हेल्प कर रहे हैं। मेरी कोई भी नहीं था, पापा मैं बस हम लोग ही काम कर रहे थे ये। फिर इसके बाद मेरे को फिर फ्रिज वगैरह भी निकालने का है, बहुत सारा सामान है ये। पहले दो दिन से लेकर गए थे हम लोग, और फिर उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी मैं आगे आगे चल के आप लोगों को बता दूँगी। देखो यहाँ पे फाइनली पलंग अभी खुल रहा है, तो पप्पा ही एक सब खोलने के लिए, सब काम करने के लिए। और मैं घर शिफ्टिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरा 11 महीने का एग्रीमेंट पूरा हो चुका था, और मैं आगे नहीं बढ़ाई थी इसका एग्रीमेंट, क्योंकि थोड़ा कुछ तो रीज़न के वजह से मैंने इसका एग्रीमेंट नहीं बढ़ाई थी आगे। और फिर मैंने सोची कि मैंने यहाँ पे रूम ही छोड़ दूँ, तो इसके वजह से मैं यहाँ पे रूम खाली कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रही थी, तो आप लोग इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि रूम शिफ्टिंग के टाइम पर बहुत सारा काम वगैरह होता है, बहुत सारी गंदगी फैल जाती है। और फाइनली ऊपर का हिस्सा खुल गया है, ये पलंग का लोखंड का पलंग है ये। और ये अभी हम लोग एक एक साइड में करके रख रहे, और नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे। होता है ना, पलंग काफ़ी बड़ा रहेगा तो बहुत सारी गंदगी तो होती है। और कम से कम इसको ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट लगे इसको पलंग को पूरा ओपन करने के लिए। और फाइनली पलंग अच्छे से पूरा खुल गया है, आप लोग देख सकते नीचे कितना गंदगी हो रही है। अब इसको तो मैं आगे चल के देख लूँ कितना अच्छे से क्लीन करूँगी, देखो। तो अभी इसके बाद मुझे फ्रिज वगैरह पैकिंग करके उसको भी नीचे उतार देने का है। यहाँ पे देखो फ्रिज अच्छे से पैकिंग वगैरह हो गया है। और ये फ्रिज उतारने के लिए हम लोग ने बाहर से 3 आदमी लोग को बुलाए थे, हमाल बोलते हैं ना उन लोग को। तो उन लोग ने अच्छे से फ्रिज वगैरह बॉक्स में पैकिंग किया है। माशाल्लाह फ्रिज भी काफ़ी बड़ा है फ्रिज, और निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी, आप लोग देख सकते। यही अक्सर होता है, रेंट पर रहो ना तो बस सामान इधर उधर लेके जाने की तकलीफ़ रहती है। और काफ़ी बड़ा सामान रहेगा ना तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ उसमें आती है, कुछ ना कुछ उसमें क्रैच वगैरह पड़ते ही है। तो आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, अगर रेंट पे रहोगे ना तो छोटा मोटा और बहुत कम सामान ही लेके यूज़ करने का। बट मैंने यहाँ पे, आप लोग सोचोगे मुझे, हम लोग को ये सजेस्ट कर रही है तो इसने क्यों ये बड़ा सामान ली, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये मेरा खुद का भी रूम है विरार में। विरार आप लोग मुंबई से हो गए तो आप लोगों को पता होगा, विरार में मेरा खुद का रूम है, तो वहाँ पे मैंने ये बड़े बड़े सामान ली थी। पलंग तो मेरे पहले ही रेंट वाले रूम में ही था, बट ये और ये जो बड़ा वाला कबाड़ था, वो कबाड़ तो इधर चढ़ा ही नहीं था 11 महीने पहले, तो उसको हम लोग ने लेकर आए ही नहीं थे। अब अच्छा हुआ नहीं लेकर आए। अभी ये फ्रिज निकलने में कितनी तकलीफ होगी ना, आप लोग आगे चलते देखना। यहाँ पे हम लोग ने बॉक्स चढ़ाया है ना, पर आगे चल के देखो आप लोगों को बॉक्स नहीं दिखेगा, क्योंकि बॉक्स के वजह से वो सीढ़ी से उतर रहा ही नहीं था नीचे। ये मैं चौल में रहती हूँ ना, ये थर्ड फ्लोर पे चौल में रहती हूँ। मुंबई के लोग होंगे तो उन लोग को सब पता होगा, क्योंकि मुंबई में रहना कितना मुश्किल होता है, बहुत छोटे छोटे घर में एडजस्ट करना पड़ता है। आप लोगों ने अभी देखे ना कितना छोटा रूम में मैं रहती थी। और यहाँ पे देखो, यहाँ से हम लोग ये वाले मेरे तरफ से बाजू वाले रूम के सीढ़ी पे हम लोग इसको लेके जाएंगे, क्योंकि मेरे तरफ से इसको निकलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। और इधर ये वाले वीडियो को मैंने बिल्कुल भी फास्ट मोड पर नहीं रखी हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले धीरे धीरे कि कितना हार्ड वर्क रहता है ये सब काम करना, बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर उसके बाद देख लेना, फिर बॉक्स हटाना पड़ेगा, फिर कॉटन के चद्दर रहती है ना उसके अंदर, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्री कवर हट चुका है। और फिर उसके बाद हम लोग ने कॉटन की जो चद्दर रहती है ना, बेडशीट बोलते हैं, उसमें हम लोग ने नीचे से पकड़ के, दो जन ऊपर से, दो जन नीचे से, तो वैसे उस फ्रिज को नीचे उतारे। और बहुत थर्ड फ्लोर था ना ये चौल का, अगर फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर रहता ना तो इतनी तकलीफ़ नहीं रहती है। तो इसके वजह से फाइनली देखो मेरा फ्रिज
सेकंड फ्लोर तक उतर गया है। मैं यहाँ घर से ही वीडियो बना रही थी, बाहर नहीं गई थी। और पप्पा है और तीन बाहर के लोग है जो हमाल बोलते हैं, उन लोग हैं। उन लोग को पैसे दे के लाए थे, बस उन लोग को फ्रिज और पलंग का सामान उतारने के लिए खास बुलाए थे हम लोग ने। और फिर उन लोग का भी चार्जेस कुछ ज़्यादा ही था, इतना ही दो चीज़। और ये सब मैं सामान लेके अपने मम्मी के घर पे रखूँगी फ़िलहाल तो, क्योंकि मेरे हस्बैंड गांव गए, आप लोगों को पता ही है, तो वो थोड़ा काम से गए गांव, तो उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह देखूँगी कहाँ दूसरा न्यू रूम लूँगी। जब तक तो ये मैं सब सामान शिफ्ट करके मैं अपने मम्मी के घर पे ही रखूँगी। तो आप लोगों को अगर आगे व्लॉग इंशाल्लाह मिलेंगे ना, तब मैं मम्मी के घर से ही व्लॉग बनाया करूँगी। और फाइनली मेरा फ्रिज नीचे उतर रहा है, मतलब उतर ही गया है ऑलमोस्ट। बस इतनी बड़ी बड़ी चीज़ थोड़ी तकलीफ ही होती है ना उतारने के लिए, और बहुत हैवी वेट है ना इसके अंदर। छोटा रहता तो कोई इतनी बात नहीं रहती, बट ये हैवी है तो। और बस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे फ्रिज में, थोड़ा सा खर्च आ गई थी। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाद में ये सब। फ्रिज तो अच्छा खासा घर पे पहुंच गया, बस थोड़ा बहुत उसको कुछ लग गया, खरोच आई बोलते ना, बस थोड़ा बहुत कुछ लग गया उसको। मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में वो बता दूंगी। और अभी यहाँ पे पलंग का सामान उतार रहे हैं, और पलंग का सामान भी काफ़ी बड़ा होने के वजह से वो भी उतारना थोड़ा भारी पड़ रहा था। और ये सब बाकी का सामान है ना, ये मेरे पप्पा लेके जा रहे थे मालूम, ये तो कुछ भी नहीं है। दो दिन से बेचारे वो सामान लेके जा रहे थे, इतना तीन सीढ़ी चढ़ना, तीन माले की सीढ़ी चढ़ो, फिर वहाँ पे बिल्डिंग में लेके जाने के बाद तो इतना वो नहीं था, वहाँ पे से लिफ्ट से ऊपर चढ़ा देते थे, सेकेंड फ्लोर पर घर है। और ये जो यहाँ पर गादी है ना, गद्दा मराठी में बोलते हैं, ये गद्दा है ना, तो ये गद्दा भी निकालने बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर यहाँ पे अभी पूरा सामान पहुँच चुका है, और मैं यहाँ पे साफ़ सफाई पूरा करी, घर पूरा क्लीन कर दी, और फिर नहा धो के मैं सोची एक लास्ट वीडियो इस रूम का आप लोगों के सामने निकाल दूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब की जर्नी इसी रूम से स्टार्ट करी थी। मैं अपने कॉमेडी वीडियोस भी इसी रूम से बना रही थी, तो इस रूम में बहुत सारी यादें, और बहुत ख़राब लग रहा था। आप लोग मेरा फेस देख के देख रहे होंगे, कोई भी यहाँ पर नहीं था, और बहुत बैठ के मैं आधे घंटे तक का इस रूम में देख के रो रही थी। आप लोग सोचेंगे पागल है, लगता है ये रोती रहती हर वक्त, बट क्या करूँ, बहुत दुख हो रहा था ये रूम छोड़ते हुए। तो ऐसी, और देखो पूरा अच्छे से घर को मैंने क्लीन कर दी, कुछ भी गंदगी मैंने छोड़ी नहीं यहाँ पे पूरा, क्योंकि कोई भी आएगा तो ये नहीं सोचना चाहिए ना कि यार कैसे लोग रहते थे। इसलिए मैं कोई भी घर रहता है ना, जब भी छोड़ती हूँ ना, मैं उसको अच्छे से क्लीन वगैरह करती हूँ, ताकि कोई सामने वाला हम लोग को गंदा ना समझे। तो ऐसा है, देखो मैं एक फाइनली आप लोगों के साथ एक वीडियो बना रही हूँ, और बात करने का दिल नहीं कर रहता। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को कैसा लगा। चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।